राधे राधे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं भांडीर वन में। और भांडीर वन में जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, एक कुआ है। जो है ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है, क्योंकि इस कुएं में ही भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करा था। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो यहाँ देख रेख में हैं, उनसे हम जानते हैं। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? जय श्री राधे। मैं विनोद शर्मा, भांडीर वन जी। देखो, ये भांडीर वन बहुत पौराणिक और परम पावन जगह है जी। यहाँ पे भगवान की अनेक लीलाएं हुई हैं जी। सर्वप्रथम लीला यहाँ भगवान के राधा कृष्ण के विवाह की है जी। क्योंकि यहाँ नंद बाबा की तो गोद में आए थे जी। और यहाँ आकर के अपनी योग माया दिखाकर एकदम मौसम को ऐसा गड़बड़ कर दिया भयानक। दिन में तारे टिमटिमा गए, बिजली कड़कने लगी, कन्हैया रोने लगे। तो कन्हैया जी बोलते हैं, नंद बाबा बोलते हैं, रक्षा करो, रक्षा करो जी। तब यहाँ पे राधा रानी का प्राकट्य हुआ है जी। क्योंकि राधा रानी और नंदगांव, मतलब ये नंद बाबा और विश्वान, इनके पुराने गांव रावल और गोकुल है। रावल और गोकुल, हाँ। नंद बाबा गोकुल रहते थे और ये बसवान जी रावल जी। तब कंस का ज्यादा अत्याचार हुआ तो उन्होंने गोकुल और रावल दोनों को छोड़ दिया है। तो वो यहीं आकर छिप करके रहते इधर जमुना पार। अच्छा, जमुना पार। तो भगवान की बाल लीला, एक्चुअल में जो मूल लीला हुई है वो जमुना के इसी साइड की है। हाँ जी, हाँ जी। ये पूर्व, ये जो है मतलब पौराणिक जगह है। और भांडीर वन जो है गुप्त वृंदावन है, इसीलिए इसको गुप्त वृंदावन बोला गया है। देखिए दोस्तों, गुप्त वृंदावन की संज्ञा मैं आपको बताता हूँ। गुप्त वृंदावन ऐसा है कि गुप्त लीलाएं जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है। जैसा मैं आज आपको यहाँ पर लेकर आया भांडीर वन, ये पीछे आप देख रहे हैं एक कुआ है। ये कोई, मैंने आपको पहले कहा, साधारण या असाधारण कुआ है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने खुद स्वयं स्नान किया था। क्या थी वो, ये भांडीर वन में भगवान जब अपने गाय बछड़े चराया करते थे कुएं को दिखाते, तो कंस ने एक अपने साथी को बछड़े के रूप में भेजा था जी। और भगवान के बछड़ों में आकर मिल गया और उनमें उष्टंग मचाने लगा जी। तो भगवान तो सब कुछ जानते हुए अनभिज्ञ बन जाते हैं, क्योंकि अपनी लीला को आगे चलाना होता है। इधर सामने देखो। तो अपने सखाओं से बोले, लाला हमारे बछड़े क्यों भाग रहे हैं, क्यों हमारे जाकर के देखो। तो ग्वालवाल वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं उसके पास, तो उनको एकदम मारने भगा। तो वो भयभीत हो गए, त्रायमम पायमम करते हुए भगवान के पास आए हैं और भगवान से कहने लगे, भैया एक बछड़ा है, बड़ा सलोना है, वो हमारे बछड़ों को मार रहा है। तो भगवान बोले, तुम यहाँ रहो, लो मैं देखता हूँ। अब भगवान स्वयं गए हैं तो उनको देख के वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही भगवान उसके बराबर में आते हैं, भगवान को अपने सींगों पर रख लिया। तो भगवान पैंतरा काट के निकल गए, फिर भगवान पर दुलत्ती पैर चलाने लगा। तो भगवान ने उसके दोनों पैरों को पकड़ के मार दिया और आकर के उन्हीं ग्वाल वालों से बोले, लाला बहुत बढ़िया रहा, तुम अपनी जान बचा के आ गए। वो बछड़ा बछड़ा कुछ नहीं था, राक्षस था, मैं उसको मार आया जी। अब मारने का नाम सुनते ही सब ग्वाल वाल भगवान से अलग हो जाते हैं। अच्छा। एकदम बहिष्कार सा कर दिया, बोले काना हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, ना खाएंगे ना खेलेंगे, क्योंकि तेने बछड़ा मारा है, तेरे को गौहत्या का पाप है जी। अब भगवान उनको नाना प्रकार से समझा रहे हैं कि भाई तुमने हमारा क्या चमत्कार नहीं देखा है, ये भी एक चमत्कार ही है। वो जो है बछड़े के रूप में राक्षस था, मैंने उसको मार दिया है जी। लेकिन माने नहीं, तो लास्ट में भगवान बोले, भाई उसका तो उद्धार हो गया, हमको अब क्या करना चाहिए जी। तो भगवान पर ये दंड रखा है कि जितने भी तीर्थ हैं संसार में उनमें स्नान कर करके आओ जी। तो भगवान बोले, भाई मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं भी कुछ कहूँ, मैं सारे तीर्थों को यहीं बुलाना चाहता हूँ। तो भगवान ने, जब ग्वालवाल संतुष्ट हो गए, बोले ठीक है बुला लो काना, तो भगवान ने सारे तीर्थों को यहीं बुलाया है। जब सारे तीर्थ इधर आ गए तो भगवान ने उन ग्वाल वालों से कहा कि लाला इनसे संपर्क कर लो, ये कौन कौन है, कहाँ से आए हैं, फिर तुम आप कहने लग जाओ कि ये तो वैसे ही चले आए होंगे लोकल, मैं मानूंगा नहीं किसी की। तो भगवान ग्वाल वालों ने जब संपर्क कर लिया संतुष्ट हो गए। तो भगवान ने अपनी बंसी से ऐसे ज़मीन को फाड़ा था। अच्छा। जमीन पानी देने लगी है। अच्छा। भगवान वहाँ पर विराजमान हुए हैं और सारे तीर्थों ने प्रभु पर जल छोड़ा है। अब भगवान ने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद भगवान अपना लकुटी मुरली लेके चल दिए। अब ग्वालवाल कहने लगे, काना क्या हुआ, अब तो तुम पवित्र हो गए, अब यहाँ बैठ के भोज पार्टी होगी, आनंद करेंगे जी। लेकिन वो लोग नहीं माने जी। बोले कि भैया काना सुन, अब तू भाग क्यों रहा है। बोले मैं तो पदशुद्ध हो गया, अब तुम सभी दोषी हो, देखने के और बताने के हो। कहते ना, करने वाले से कराने वाला दोषी होता है। बोले अब तुम सभी दोषी हो। बोले हम क्या करें,
जो मैंने किया है वो तुम करो भाई। बिल्कुल, अब सबके लिए बराबर है। अब ग्वाल बाल घबरा गए, उनके किसी कोई मतलब एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लग रहे हैं, कोई जवाब नहीं किसी के पास में। अब इधर से कहीं से मधुमंगल आ जाते हैं। मधुमंगल बोले क्या बात है कि भाई इस तरह बात है, कन्हैया ने ऐसे ऐसे बोला है, कन्हैया तो पवित्र हो गया और हम क्या करें। तो कन्हैया मधुमंगल बोला भाई हमको तो डबल फायदा हो रहा है जी, क्योंकि प्रभु नहाए तो उनका चरणामृत है। अच्छा, तो जो नहाने धोने का पानी था उन्हीं में ग्वाल वालों ने अपना कोई छींटा लगाया, कोई पानी लगाया, कोई लोट अपोट हो गया, तब पवित्र हो गए हैं। तो उसके बाद यहाँ भगवान ने खूब भोज पार्टी करी है जी। तो आज भी जो नहाने धोने का पानी है ये दोनों साइडों में भरा हुआ है, इनमें वो माता बहना स्नान करती हैं जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं, बच्चे होके मर जाते हैं, लड़की सफेद दूध जैसा पानी। हाँ 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 इसी वट में, इसी हाँ जी हाँ जी। तो उनका मनोरथ पूरा होता है जी। और सोमोती मावस वावदल दिन यहाँ पे इस कुएं का पानी स्वतः ही दूध या कलर का हो जाता है, स्वतः ही। अच्छा, इसमें इस कुएं पे दो श्लोक लिखे हुए हैं, तो उसमें लिखा है कि चतुर्दश अवताराणाम जन्म मृत्यु वर्धने दुग्ध फान मयोभूतम मत्स्य कूपम नमस्तुते। यानी इस कुएं को चारों युगों का प्रमाण मिला है, इसलिए इसको त्रिवेणी कूप बोलते हैं। ये हाँ जी, इसको सबसे पहले मत्स्य कूप, फिर यक्ष कूप, फिर वेणु कूप, इस वजह से इसको त्रिवेणी कूप करके बोलते हैं। हाँ, तो ये इस कूप की महत्ता है। लोगों का एक ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस 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 सारे तीर्थों का, यानी इसको एक स्थान, इसको तीर्थराज बोला गया, कहने का मतलब है तीर्थों में महातीर्थ एक ही तीर्थ त्रिवेणी। जिन माताओं के गर्भधारण में समस्याएं होती हैं, माताएं परेशान रहती हैं, इधर उधर डॉक्टरों पे जाती हैं, तांत्रिकों पे भी जाती हैं, तो मशवरा आपको सलाह यही है कि आप जब वृंदावन आए, बांके बिहारी में आए, तो बांके बिहारी से जमुना पार कर आप जो है भांडीर वन में आए, माठ से दो किलोमीटर दूर है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। और भांडीर वन में जब आप आएंगे तो आप अंदर घुसते ही आपको ये दिव्य अति प्राचीन और परम सुख करने वाला ये आपको कुआं मिलेगा, जैसे महाराज जी ने आपको बताया, विनोद जी ने इसकी पूरी गाथा आपको बताई किस प्रकार ये अपनी महत्ता रखता है, क्यों इसका महत्व है आपको सब बताया। तो आप यहाँ पर जरूर आइए। अच्छा, और यहाँ पर और भी है, वो पेड़ भी है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा बराबर में जी, तो इस वृक्ष के पास ही राधा जी। हाँ जी महाराज जी, लोग कहते हैं कि भाई राधे और भगवान कृष्ण का मिलन नहीं हो सका, ना उनकी कभी शादी हो। देखिए बात ऐसी है कि देखो आपका प्रश्न करना कर सही है और सही भी है जी। क्योंकि राधा कृष्ण कभी दो तत्व नहीं है जी। वो लीला के लिए अपना दो तन धारण करते हैं जी। जो गोलोक धालवासिनी राधा थी वो तो भगवान के वामांग से प्रकट हुई है जी। इसी वजह से कहते हैं कि एक प्राण दो देही ऐसे परम स्नेही। और राधा कवच में आता है कि आराधिता राधिका नूनम एनम न संशय, यानी राधा रानी भगवान कृष्ण की आराध्य हैं, भगवान उनका स्वयं चिंतन करते हैं जी। जो ये भांडीर वन में मिलन या विवाह वाली बात कही गई है, तो इसका वर्णन जो है गोलोक धाम से चला आता है, क्यों गोलोक धाम में श्री दामा ने राधा रानी को 100 साल के वियोग का श्राप दिया है। 100 साल के वियोग का, अब आप दोस्तों 100 साल के वियोग से आज के 100 साल नहीं, उस वक्त जो एक वर्ष होता था उसमें 10,000 वर्ष होते थे, जो पहले उस दौरान जो आज जो उन्होंने बोला 100 वर्ष का वियोग का समय दिया है, आज के वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन उस दौरान के एक वर्ष में 10,000 वर्षों का फासला हुआ ऐसा ही बताते हैं। तो 100 वर्षों से अनुमान लगा लीजिए लाखों वर्षों का श्राप दे दिया वियोग। अब राधा रानी ने श्रीदामा को श्राप दे दिया राक्षस होने का। अच्छा। कि तू राक्षस होएगा जी। तो श्रीदामा भी शंख नाम का राक्षस हुआ है जी। उसका उद्धार भी आप भांडीर वन में ही किया है कन्हैया ने जी। क्योंकि गोपाल सहस्त्रनाम में आता है कि तथा ताल वनोद्देशी भांडीर वन शंखा, यानी शंखासुर का उद्धार भांडीर वन में ही किया था भांडीर वन में। हाँ जी, और ये बात हो गई। इसके बाद कन्हैया जी ने जाके राधा रानी को बताया कि श्री राधे मेरे, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे अधिक मुझे भक्त प्रिय है, मैं भक्त आदीन हूँ, मेरे भक्त ने आपको कहा है तो तुम मुझसे 100 साल दूर रहोगी। इतना सुन के राधा रानी को बहुत दुख हुआ है। तो फिर कन्हैया जी ने उनको समझाया कि श्री राधे हम तुम तो इस तरह हैं जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दायका शक्ति, पृथ्वी में गंध, जल में शीतलता, और जैसे अपने शरीर का छाया अनुकरण करती है, इस तरह हम तुम दोनों हैं, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं शून्य हूँ। हाँ, तो अब ऐसा है, अब हमारी लीला का टाइम आ गया, क्योंकि द्वापर का अंत था, कलयुग की स्टार्टिंग थी, उस पीरियड में भगवान ने अवतार लिया है,
सो वो आप भूतल पे चलो, मैं आ रहा हूँ और आपसे मिलूंगा। तो वो मिलन यहाँ पे हुआ है जी। तो नंद बाबा की गोद में आए हैं और यहाँ मौसम को गड़बड़ करते हैं, कन्हैया जी कहते हैं रक्षा करो, तब यहाँ राजा रानी का आना हुआ है। तो राजा रानी भगवान की आलादनी शक्ति इतना भव्य तेज प्रकाश पुंज हुआ कि जिसको देख के नंद बाबा भयभीत हो गए हैं। लाला को अपना दुपट्टा उड़ा लिया, रक्षा करो, तब यहाँ पर राधा रानी ने कन्हैया जी को नंद बाबा से मांग लिया है, बाबा लाला को मुझे दो जी। तो नंद बाबा उनको देखते ही पहचान गए हैं, क्योंकि उनका दिव्य अलौकिक इतना श्रृंगार था सिर से नख तक, जिसका वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक्षम रही हैं जी। तो नंद बाबा बोले, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में गर्ग जी के मुख से सुना था जी। क्योंकि गर्ग जी ने जब कन्हैया जी का नामकरण किया था, जब सारी बात खोल खोल के बता दी थी कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये भूभार उतारने आया है भूधरा का, और इसका विवाह आज तक श्री राजा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे। तो बेटा ये तुम्हारे प्राणनाथ है, लो इन्हें संभालो। तब नंद बाबा ने कन्हैया जी को राजा रानी को सौंप दिया है। राजा रानी अपने अंक में लेकर के इस भांडीर वट के नीचे आ गई हैं जी। और यहाँ आकर के क्या देखा है कि भगवान ने एक बड़ा सुंदर मंडप बना रखा है, उसमें एक छोटा सा पालना है। अच्छा। उस पालने में आती कन्हैया जी को लिटा दिया है। अच्छा। और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष पुष्कर में तपस्या की है पूर्व काल में, जब इस क्षण के लिए। हाँ जी, पुष्कर में 68,000 वर्ष जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? क्या मैं जुगल सरकार के दर्शन करना चाहता हूँ? बोले अभी आपको दर्शन नहीं होगा, समय आने पर होगा। हाँ, ये राधा रानी को मालूम था, इसलिए राधा रानी ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, बोले एक पंच दो काज दोनों काम हमारे बन जाएंगे, ब्रह्मा जी को दर्शन हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी जैसे ही आने को होते हैं तो कन्हैया जी भी अक्षमात प्रकट कौमारे सो शिशु से 16 वर्ष के हो गए, यानी राधा रानी 16 वर्ष की अवस्था में आती हैं, कन्हैया जी भी अक्षमात क्रमश 16 वर्ष के हो गए यानी हमम्र। तो कन्हैया जी ब्रह्मा जी आकर के क्षमा प्रार्थना स्तुति करते हैं, सिर झुका के बैठ गए। तो कन्हैया जी बोले, राधे कुछ ध्यान है, मैंने कुछ वचन दिया था पूरा कि आज वो पूरा होगा, आज पूरा। तब ब्रह्मा जी ने इस वट वृक्ष को साक्षी करके प्रिया प्रीतम का विवाह कराया है, स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया है, और दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके अपना निकल रहे हैं। तो कन्हैया जी ने उनको रोका, रोक करके कहा कि विप्रदेव पहले तो अपना दक्षिणा बताओ, क्योंकि आपने हमारा पाणित्यर्पण किया है, हम आपके यजमान हैं, तुम हमारे पुरोहित हो। तो उन्होंने कहा हमें भक्ति चाहिए, तो भक्ति का वरदान दिया है। और दूसरी बात कन्हैया ने ये कही थी कि भाई इस रहस्य को आप किसी को मत बताना कि मैंने उनका विवाह कराया है। लेकिन फिर पता कैसे लगे लोगों को? शास्त्रों के अनुसार, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में, हरवंश पुराण में, गर्ग संहिता में, गोपाल चंपू में, जयदेव जी के गीत गोविंद में, कई पुस्तकों में वर्णन आया यहाँ का, भांडीर बने ब्रह्मा जी ने, तब तो लोगों को ब्रह्मदेवता को श्राप नहीं लगा होगा कि उन्होंने वादा किया था, जो वचन दिया था वो खंडित हो गया? नहीं, तो वो तो यहाँ पूरा हुआ है ना, दर्शन हो गए ना उनको। नहीं, उन्होंने दर्शन हो गए, उन्होंने ये कहा कि भाई ये बात किसी को पता ना लगे। हाँ, तो मतलब ये शास्त्रों का वो हो गया, लीला तो आगे शास्त्रों में चल गई है, शास्त्रों में चल गई। हाँ, तो नहीं तो महात्म इतना पुराना है, पुराना। अब देखो भांडीर बने के बारे में आप पुराणों में ऐसा वर्णन है कि इसको भगवान के 14 अवतार का उद्गम स्थान बताया है जी। तो उसमें लिखा है कि चतुर्दश अवताराणाम लीलोद्भव स्वरूपणे नाना द्रव्य भव स्थान भांडीरवन संग के कहे। भांडीरवन, आप भगवान की 14 अवतार की लीलाओं के स्थान है, तुमको नमस्कार है जी। अब ये जो वटवृक्ष आप देख रहे हैं, इस वटवृक्ष का भी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, इस वटवृक्ष का। हाँ जी, जब यहाँ पे प्रलम्बासुर आया ना दाऊ दादा को लेके, तो इसी वटवृक्ष की शर्त रखती है, भांडीर वट तक जाना है जी। अब उस वटवृक्ष को क्रॉस कर रहा था, तो दाऊ दादा बोले, कर क्या रहा है रे? बोले अब तू मेरे कब्जे में, एकदम असुरवृत्ति में आ गया, अब कंस के पास ले जाऊँगा। अच्छा। तो दाऊ दादा धड़ीधर भगवान है, शेष भगवान है, इतना वजन बढ़ा दिया धड़ाम से जमीन पर गिरता है। तब दाऊ दादा ने यहाँ भांडीर वन में प्रलम्बासुर का उद्धार किया है। हाँ, तो भागवत जी में श्लोक आया है के बहन तो माने होता है ढोते हुए या लादते हुए, बहन तो वाह्य मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडी रकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगम जी। एक तो तब का, एक दूसरा जब यहाँ मुंजवन में आग लगी है, उसका पान किया भगवान ने जी। तो उसमें दिया है कि मुखेन अग्निम पित्वा भांडीर बटम पुनः अधय आगता जी। तो ये भांडीर वन यानी पौराणिक भूमि है। आदि बारह पुराण में पढ़ो आप, तो आदि बारह पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई भी प्राणी इस भांडीर वन का दर्शन कर जाएगा, उसको पुनः मात गर्भ में ही नहीं जाना होगा।
अच्छा, यानी कि देखिए जो यहाँ पर एक बार आ गया जन्म मृत्यु के मोक्ष को बंधन से मुक्त हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए। कहते हैं कि 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, और लेकिन यहाँ भांडीरवन में आके आपको इन सब जन्म मोक्ष से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ वो बता के जी जी जी, जी बताइए। तो ये भांडीरवन बहुत पौराणिक जगह है जी, इसके बारे में जितना सोचो उतना कम, इतना कम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 तो राक्षसों को मारा है जी, जैसे बत्सासुर शुद्धि के लिए कुएं का निर्माण जी, दाऊ जी का मंदिर प्रलम्बासुर जी, शंखासुर जो पूर्व जन्म में श्रीदामा था राक्षस बना है उसका वध जी, गोपाल सहस्त्रनाम में आता है जी, अघासुर और बकासुर, अघासुर और इस भांडीर वट के नीचे तो भगवान की देख पा रहे हैं। सदियों से एक संशय है कि राधा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया, लेकिन आज आपको बताऊं इस वक्त भांडीरवन में हूं, और भांडीरवन में ये जो मंडप है ये साक्षी है कि राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण से शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने करवाई थी। वो वट वृक्ष आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है, आज भी गवाह है, साक्षी है उस परम विवाह का। ये मंडप देखिए, और ये वृक्ष जो है 5,500 वर्ष पुराना है। बाकी विनोद शर्मा जी जो यहाँ के मुख्य पंडित जी हैं, जो यहाँ सारी चीज़ें देखते हैं, वो बताएंगे। आइए विनोद जी बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी। ये भांडीरवन, भांडीरवन में वह स्थान जो भांडीर वट, जिसको साक्षी करके ही ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। अरे यार ये नीचे कर लेते आप। नहीं नहीं सही है, इनका ऐसे ही रहेंगे। राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण, गर्ग संहिता, गोपाल चंपू, जयदेव जी का गीत गोविंद, अनेक पुस्तकों में आता है जी। ये वही वट वृक्ष है जिसको साक्षी करके ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। आप इसके दर्शन कर रहे हो। इस वट वृक्ष के बारे में कई कथाएँ मिलती हैं। जैसे उद्धव जी को जब ब्रज की राजी खुशी लेने भेजा तो इस वट वृक्ष के बारे में भी पूछा कि आप ब्रज में गए होंगे, भांडीर वन भी गए होंगे, तो वहाँ भांडीर वट दिखाई दिया होगा, क्या आज भी मेरे न रहने पर मेरे ग्वाल सखा वहाँ खेल रहे थे? यानी बहुत पॉपुलर स्थान रहा है भगवान का ये। इसकी भगवान के नीचे की 11 लीला हैं जिनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम विवाह वाली लीला है, फिर उसके बाद जब भगवान बड़े हो गए हैं तो यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन कराया था, दुर्वासा जी को गोपिकाओं ने भोजन कराया है। नित्य प्रति भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ दोपहर की छाक लीला यहाँ किया करते थे। तीन तो यहाँ की भोजन की लीला है, सर्वप्रथम उनके मिलन की लीला है जी। और फिर इसी के नीचे राधा और कृष्ण का मल्लयुद्ध हुआ था जिसका वर्णन ब्रजविलास में आता है। मुंजवन की आग का पान करने के बाद सकुशल इधर आए थे, ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, और लास्ट की लीला राधा कृष्ण, मतलब लास्ट की लीला जो है उनके स्वधाम गमन की आती है। तो कन्हैया जी ने इसी भांडीर वट से ही नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रसवान, कीर्ति, राधा रानी, नंद गोपगण सभी को सशरीर गौलोक गमन भेजा था। इतनी लीला भांडीर वट की है और अनेक लीला भांडीर वन की है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आपको कोई संशय है तो इस वृक्ष को देख लीजिएगा, संशय समाप्त हो जाएगा जड़ से। तो और भी आपको भांडीर वन में कई चीज़ें दिखाएंगे, विनोद जी ने बताया। आज देखिए मेरे साथ में विनोद जी भी हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी हैं, तो कई सारी चीज़ें आज इत्तेफाकन हो गई और बता नहीं सकता कितना अच्छा, राधे रानी की कृपा हुई। तो चलिए आपको आगे भी और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे, जब तक राधे राधे, राधे, राधे।